आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का चैप्टर फोर। चैप्टर थ्री तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे, आपको पता है कि स्पेशल बैच के साथ पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर थ्री तक हमने बहुत अच्छा से पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? चैप्टर थ्री पढ़ा था, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका मॉडल सेट भी हमने दे दिया है। मॉडल सेट कहाँ देने के लिए बोले थे? मॉडल सेट बोले थे कि टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जिसका लिंक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। या अभी तक आपने वो मॉडल सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे भी वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर चैप्टर थ्री का मॉडल सेट देख सकते हैं। अब उस मॉडल सेट का बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखकर भी भेजा था, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा बहुत अच्छा, सब सही आंसर लिखा। देखिए उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो तीन नंबर क्वेश्चन था, यानी शायद सी नंबर क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? तीन भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीन भागों में बांटा गया है। लेकिन उसमें तीन ऑप्शन में था ही नहीं, वो जानबूझकर क्वेश्चन गलती किया गया था। क्या आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर पकड़ पाते हैं या नहीं, सही मतलब लिख पाते हैं या नहीं? तो सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा है, उसमें आंसर न होते हुए भी उसका आंसर सही लिखा है, यानी कि ये सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं और ध्यान से समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन था वो जानबूझकर उसमें गलत डाला गया था कि आप लोग सही आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग सही आंसर लिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर फोर पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर फोर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको ध्यान से समझिए और बारीकी से समझना है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सभ्यता का मतलब समझते हैं, सभ्यता का पहले मतलब क्या होता है, सभ्यता जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है? तो सभ्यता का देखिए सिंपल सा मतलब अगर हम जाने तो सभ्यता का मतलब होता है कि जहां पर सभ्य लोगों का निवास हो, यानी कि जिस स्थान पर सभ्य लोगों का निवास हो उसको सभ्यता कहते हैं। सभ्य लोगों का मतलब उनका रहने का तरीका, खाना खाने का तरीका, रहना मतलब निवास स्थान का तरीका, रहने का तरीका, खाना खाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कपड़ा पहनने ये सब तरीका अच्छा होना चाहिए, वो सभ्य लोग होते हैं। जैसे पाषाण काल के लोग थे ना, वो असभ्य थे, वो जंगल रहते तो जंगल में थे ही, साथ में उनका ना पहनने के लिए उनके पास कपड़ा था, ना ठीक से खाने के लिए खाना था, ना रहने के लिए ठीक से जगह था, और उनका स्थायी निवास स्थान भी नहीं था। कभी यहाँ पर रहते थे कुछ दिन, यहाँ पर तो कुछ दिन, यहाँ पर तो कुछ दिन, यहाँ पर। लेकिन ये सिंधु घाटी के जो लोग रहते थे ना, सिंधु घाटी के जो लोग रहते थे वो सभ्य लोग थे, इसीलिए उसको सभ्यता बोला गया। सिंधु घाटी में जितने भी निवास स्थान, जितने भी लोग रहते थे, उस लोगों को मिलाकर उसको क्या बोला गया? उसको सभ्यता, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग सभ्य लोग थे, वो लोग अच्छे घर में रहते थे और अच्छी तरह से उनका खान पान भी अच्छा था और वो पहनने के लिए कपड़ा भी अच्छा था, मतलब आसपास के माहौल सब अच्छे थे, इसीलिए उसको क्या कहा गया? सभ्यता, यानी कि जहां पर सभ्य लोगों का निवास हो सभ्यता। इसीलिए अब सिंधु घाटी, सिंधु नदी का नाम है और घाटी मतलब किनारा होता है, नदी का किनारा। घाटी ऐसे पहाड़ों के बीच को भी बोलते हैं घाटी, पहाड़ों को भी जो, तो वो अक्सर नदियों के किनारे वाले क्षेत्र जो पहाड़ पड़ते हैं उसी को घाटी बोलते हैं। घाटी का मतलब समझ लीजिए नदियों के किनारे वाले जगह को क्या बोलते हैं? घाटी। तो सिंधु नदी के किनारे वाले जगह को जो जगह था वहां पर लोगों का निवास स्थान था, जैसे सिंधु नदी हो गया ना, मान लीजिए सिंधु नदी, तो इसके किनारे जो निवास स्थान लोगों का था उसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। अधिकतर देखिएगा कि लोगों का निवास स्थान प्राचीन समय में ये किसी न किसी नदी के किनारे होता था, क्यों? क्योंकि जल आपूर्ति अच्छा से हो जाता था उस समय, ना कल था, ना नल था, ना ये मोटर था, कुछ भी नहीं था, तो जल आपूर्ति के लिए कौन सा साधन था? यही नदियां ही थी। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इनके बारे में, ये सिंधु घाटी के बारे में हम लोगों को पता कैसे चलता है, सिंधु घाटी के बारे में हम लोगों को पता कैसे चलता है? तो पहले बात करते हैं 1826, कब की बात है? 1826, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन, शायद आपने नाम सुना ही होगा, मैसन, चार्ल्स मैसन ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का निरीक्षण किया। अब सभ्यता का मतलब समझिए क्या हुआ था, कैसे निरीक्षण किया? जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? पहले व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सत्ता स्थापित करना शुरू किया। हमारे देश में क्या किया? सत्ता स्थापित करना शुरू किया। देखिए भारत का मैप, देखिए भारत का मैप बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी सीख सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसे भी आकार का बना देना है, यहां से छोटा छोटा दो बार बना देना है, और यहां से एक बार ऐसे ऐसे एक बार यहाँ पर दो बार, और ये बन गया। देखिए तो भारत का मैप बन गया ना, यही भारत का मैप। अब उतना सटीक ढूंढिएगा तो भारत का मैप नहीं ना बन पाएगा, ठीक है, इतना है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? पहले व्यापार करना शुरू किया, उसके बाद यहाँ की स्थिति देखकर उन्होंने क्या किया? कहा कि ये सोचा कि यहाँ पर हम शासन स्थापित कर सकते हैं। शासन स्थापित क्यों किया? क्योंकि व्यापार में उनको ज्यादा फायदा हो, फ्री में सब सामान यहाँ से लेकर जा सके।
तो उन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया और यहाँ का शासन चलाने लगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर भारत के अगर लंबा हमको शासन करना है तो भारत के इतिहास के बारे में जानना होगा, यहाँ पर बहुत ऐसे चीज छुपे हुए हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, भारत के इतिहास के बारे में जानना शुरू किया और समझना शुरू किया। इसके लिए अलग अलग कई तरह से पहले शुरू ये किया कि यहाँ के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उन ग्रंथों को आंग्ला भाषा में अनुवाद करवाना शुरू किया। आंग्ला भाषा का मतलब अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी में अनुवाद करवाना शुरू किया। तो यहाँ के इतिहास के बारे में उनको पता चलने लगा और इन्होंने देखा कि यहाँ का बहुत ही प्राचीन और विशाल इतिहास है। तो भारत में अलग अलग जगहों को ढूंढना स्टार्ट किया। अब ये देखने लगे कहाँ कहाँ भारत में टीला है। अब टीला क्यों ढूंढने लगे, टीला भवन ये सब क्यों ढूंढने लगे। टीला ढूंढने लगे इसलिए क्योंकि टीलाओं के अंदर ही प्राचीन समय में जो भी लोग रहते थे, अब वहां पर तो रहते नहीं थे, उनका सभ्यता नष्ट हो चुका था। तो घर वर भौंसोस कर और उस पर धूल मिट्टी जम जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो टीला बन जाता था। समझिए यहाँ पर मान लीजिए लोग रह रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर ऐसे घर और बना दिए हैं और हमेशा लोग ऊंचे स्थान पर ही रहते हैं। ध्यान रखिएगा लोग कहाँ रहेंगे, ऊंचे स्थान पर ही। मान लीजिए घर वो भौंस उठ गया तो यहाँ पर मिट्टी जमते जमते एकदम ऊंचा हो गया तो क्या बन जाएगा, ये टीला। तो टीलाओं को देखने लगे और निरीक्षण करने लगे। वैसे ही 1826 में चार्ल्स मैसन ने सिंधु जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों को देखा, बहुत सारे क्षेत्र टीला के रूप में थे। किसके रूप में थे, टीला के रूप में थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर प्राचीन सभ्यता मिल सकती है, यहाँ पर कोई भी प्राचीन इतिहास का साक्ष्य मिल सकता है, लोग रहते ये सब मिल सकता है। उन्होंने बताया लेकिन किसी ने उनके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब 1861 में, कब 1861, ये सब डेट ध्यान रखिएगा, हमने बताया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग की निरीक्षण, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या हुआ, विभाग की स्थापना हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग की 1861 में स्थापना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, भारत के जितने भी स्मारक थे, स्मारक मतलब भवन, भारत में जितने भी भवन थे, जितने भी इमारतें थे, राजा के महल थे, उस सबको देखा जाने लगा और उसके बारे में समझा जाने लगा कि किस राजा ने बनवाया था, कब बनवाया था, इस राजा का राज्य कैसा था, इसके कितने वंश में शासन हुआ, कितने राजाओं हुए इसके वंश में, ये सब देखे जाने लगा। और जहां जहां टीला मिला उस टीला की खुदाई की जाने लगी और मिट्टी ऊपर से हटाया जाने लगा। मान लीजिए यहाँ पर घर है तो मिट्टी ऊपर से हटाइएगा तभी ना घरवा मिलेगा, जब मिट्टी हटाइएगा नहीं तो घर कहां से मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि मिट्टी कौन ने जाकर फेंक दिया उस घर पर, कोई फेंका वेंका नहीं है। अब इतना सालों से, हजारों साल से ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उस पर धूल मिट्टी जमेगा नहीं, आंधी है तो धूल जमा, कहीं से पत्ता उड़कर या कुछ भी उड़ उड़कर सब उसी पर जम रहा है, बारिश हो रहा है तो क्या होगा, वो मिट्टी उसी पर जम नहीं जाएगा, उस पर पेड़ भी उग जाएगा। तो ऐसे ही तो ये 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। और तब उसके बाद इसके जो निदेशक है जॉन मार्शल को बनाया गया, जॉन मार्शल, इनके बनने के बाद भारत में उत्खनन की प्रक्रिया और तेज हो गई। क्या हुआ, उत्खनन की प्रक्रिया और तेज हो गई। और उसके बाद इन्होंने किसको क्या, इन्होंने क्या किया, 1921 में ये लोग कहां पर पहुंच गए, यहां हड़प्पा, यहां पर है ध्यान रखिएगा, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। देखिए भारत में जो हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर जो क्षेत्र है वो भारत में है, लेकिन कुछ जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में भी है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब अधिकतर क्षेत्र पाकिस्तान में भी है। और देखिए इसका अधिकतर क्षेत्र भारत में है लेकिन कुछ जो क्षेत्र है पाकिस्तान में भी है, जैसे यहाँ पर ये हड़प्पा, ये कौन था, हड़प्पा। तो उस समय भारत और पाकिस्तान एक में था ना, उस समय आजादी के पहले भारत और पाकिस्तान के में था। ये लोग पहुंचे यहाँ पर हड़प्पा के पास, कहाँ पर पहुंचे, हड़प्पा के पास। अब नदी दो चार, अब नदी के थोड़ा समझ लीजिए, ये नदी कैसे क्या था, नदी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। हड़प्पा यहाँ पर, चलिए अब समझिए, देखिए नदी कौन है, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, पता है आप लोगों को, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील, चाइना, ये चाइना यानी कि तिब्बत में, मान लीजिए तिब्बत में है ये कहाँ मानसरोवर है, मानसरोवर झील से ही ये सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर झील से ही क्या निकलती है, ये सिंधु नदी निकलती है। अब यहाँ पर ये हो गया रावी नदी, हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा रावी नदी के किनारे, ये हो गया रावी नदी, ये झेलम,
चेनाब, झेलम, ये सतलज नदी हो गया, और ये सब नदियां आकर सिंधु में मिल जाता है। ये सिंधु की सहायक नदी है, यहाँ पर आकर सब नदी क्या होता है, ये सब नदी यहाँ पर क्या होता है, आकर मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर है मोहन जोदड़ो। कौन है? मोहन जोदड़ो। अब इसको थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझा रहे हैं विस्तार से। चलिए इतना कुछ देख लिया ना। आप देखिए यहाँ पर 1921 में ये पहुंचे कहाँ पर? हड़प्पा। कहाँ पर पहुंचे? हड़प्पा में पहुंचे। हड़प्पा में पहुंचे, देखे कि इतना विशाल टीला है, बहुत दूर में फैला हुआ था, पूरा विशाल बहुत दूर में टीला था। तो उन्होंने ये पहले ही बता दिए थे, चार्ल्स मैसन ने पहले ही बताया था कि देखिए यहाँ पर कुछ मिल सकता है। तो सभी लोगों ने इसका महत्व तो नहीं समझा, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उसको खुदाई करना उसका स्टार्ट किया। और खुदाई ऐसे करते थे, जैसे जो मिट्टी, जो नरम मिट्टी मिलती थी ना, नरम नरम मिट्टी, उसी की सिर्फ खुदाई करते थे। और ये खुदाई करने में बहुत दिन का समय लग गया, वर्षों लग गया ये खुदाई करने में। खुदाई करने में बहुत सारे लोग के मन में हो गए कि वर्षों कैसे लग जाएगा खुदाई करने में, यहाँ कितना दूर में भी गड्ढा खोदना हो 10-15 दिन में पूरा कई एकड़ में गड्ढा खुद जाएगा मशीन से। तो उस समय पहली बात की मशीन उतना नहीं था, और मशीन था भी नहीं ना, अगर मशीन होता भी ना तो मशीन से नहीं खोद सकते हैं। अब कहेंगे कि मशीन से काहे नहीं खोद सकते, देखिए अब क्या मेन बात समझिए। मान लीजिए क्षेत्र हो गया, ये पूरा टीला के रूप में हो गया, ये टीला के रूप में, यहाँ पर मान लीजिए घर है, ये सब घर है, नीचे दबा हुआ है, और ऊपर टीला में ये मिट्टी है, सब मिट्टी पड़ा हुआ है इधर। अब जेसीबी ऐसे लगाएगा, ऐसे खोदने वाला ऐसे, तो पूरा घर और सब उठा लेगा ऐसे, जबकि घर को उठाना नहीं है, उसको बारीकी से हटाना है। ये सब ईंट सुरक्षित रहना चाहिए, ये सब घर सुरक्षित रहना चाहिए, ये ऊपर वाला सिर्फ मिट्टी हटना चाहिए। तो जेसीबी लगाएगा तो पूरा उखाड़ देगा ऐसे ऐसे करके। उस समय जेसीबी तो था नहीं, ऐसा मत समझिए। अगर मान लीजिए होता भी मशीन, तो उसको नहीं खोद सकते हैं वैसे, आराम आराम से आराम, वो भी खोदने वाला, मान लीजिए आदमी भी है तो एकदम पूरे तेजी से नहीं कर सकता, एकदम आराम आराम से इसको क्या करना पड़ेगा, खुदाई, ताकि जो नरम मिट्टी है उसको हटा लिया जाए, और ईटा वोटा जो बच रहा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, तभी ना पता चलेगा कि यहाँ पर कैसा घर है। अब घर में उखाड़ दीजिएगा, भसा दीजिएगा, तो कैसे पता चलेगा घर कैसा है। तो इसीलिए इसको वर्षों लग गया। और जॉन मार्शल ने इसकी किसको सौंपा था, ये दयाराम साहनी को सौंपा था। दयाराम साहनी को ये कार्य सौंपा था कि आपको क्या करवाना है, हड़प्पा का उत्खनन, यानी ये हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, रावी नदी। और ये मोटगोमरी जिला में है, मोटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। कहाँ पर है मोटगोमरी? पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। मोटगोमरी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। तो ये दयाराम साहनी, इसीलिए कहा जाता है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के, जो हड़प्पा ये जगह है, हड़प्पा ये क्या है, जगह है। तो हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। आगे बढ़ते हैं। अब 1922 में ये एक और जगह, मोहन जोदड़ो की खुदाई की जिम्मेवारी किसको दी गई? राखल दास बनर्जी। मोहन जोदड़ो की खुदाई की जिम्मेवारी किसको दी गई? राखल दास बनर्जी को दी गई। अब इन्होंने भी खुदाई चालू कराई, ये भी वर्षों तक खुदाई करवा रहे थे मोहन जोदड़ो की। मोहन जोदड़ो से बहुत सारा साक्ष्य मिला है। ये मोहन जोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, ये सिंधु नदी ही है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी किनारे कौन है? मोहन जोदड़ो। ये सिंधु नदी, ये सिंध प्रांत में लरकाना जिला में है। लरकाना ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उस समय तो भारत में था सब, उस समय कहाँ पर था? सब भारत में था। ये राखल दास बनर्जी को दिया गया। तो ये जिम्मेवारी राखल दास बनर्जी को दिया गया 1922 ईस्वी में, ये खुदाई चालू हुआ। और उसके बाद ये खुदाई होते होते बहुत सारे जगह मिलने लगे। तो बहुत सारे इधर आस पास देखिए, तो ये सिंधु नदी के आसपास सब जगह मिल रहे हैं ना, ये भी सिंधु नदी के सहायक नदी के आसपास में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम रखा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन धीरे धीरे इसकी खुदाई और बढ़ने लगा, और अलग अलग जगह मिलने लगा। भारत में भी कई क्षेत्र मिलने लगे, इधर भारत की तरफ भी कई क्षेत्र, इधर भी कई क्षेत्र मिलने लगे। यहाँ पर ये भारत के गुजरात में कई क्षेत्र मिलने लगे, इधर कई क्षेत्र मिलने लगे, जैसे लोथल मिलने लगा, इधर गुजरात के लोथल मिलने लगा, चनहुदड़ो, कालीबंगन, और कई भी क्षेत्र इधर इधर मिलने लगा, मतलब दूर दूर पर मिलने लगे क्षेत्र। अब हो गया दिक्कत, मान लीजिए दूर क्षेत्र मिल रहे हैं, इसका सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नाम रख दिया जाएगा?
यानी कि सिंधु के घाटियों में कैसे कहा जाए कि सभ्यता जो उत्पन्न हुई वो सिंधु के घाटियों में ही उत्पन्न हुई, यानी सिंधु नदी के किनारे ही उत्पन्न, घाटी का मतलब क्या होता है किनारे, ये कैसे कहा जाए कि सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी किनारे उत्पन्न हुई, ये अलग अलग नदियों किनारे इधर भी मिलने लगा ये क्षेत्र, तो अब हो गया नाम बदलना पड़ा। तो देखिए इसी इसका नियम होता है उत्खनन विभाग का या पुरातत्व विभाग का, लीजिए पुरातत्व विभाग का ये नियम होता है कि जब भी कोई सभ्यता दूर में अब मिले और नदियों किनारे के अलावा और भी दूर में मिले तो उसका अब नाम अगर चेंज करना हो तो उसका नाम रखा जाता है जो स्थल उसका सबसे पहले मिला है, सबसे पहले जो स्थल खुदाई हुआ है यानी कि उत्खनन हुआ है उस स्थल के नाम पर रखा जाता है। अब सबसे पहले किस स्थल का इसमें से खुदाई हुआ था, किसका, ये हड़प्पा का, इसके किसका हुआ था, ये हड़प्पा जो है इसी का खुदाई हुआ था ना सबसे पहले, ये रावी नदी के किनारे है ये हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा की सभ्यता, ध्यान रखिएगा नाम रखा गया हड़प्पा की सभ्यता, सभ्यता। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, दोनों नाम एक ही है। क्यों, पहला सिंधु घाटी रखा गया क्योंकि इधर के क्षेत्र में, और जब फैला हुआ है इसका तो ये क्या नाम रख दिया गया इसका, हड़प्पा की सभ्यता। हमें लगता है समझ में आ गया होगा, अब इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ेंगे, इसका और भी विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन से क्षेत्र मिले, कैसे इसका नगर नियोजन, सबसे इसका जो नगर में ये लोग बसते थे कहां पर रहते थे, यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग रहते थे ना वो नगरों में गांवों में नहीं रहते थे, समझिए ये सभ्यता पाषाण काल के बाद आई थी ना, पाषाण काल में लोग खेती करना सीखे थे, अभी झोपड़ी बनाकर रहते थे, उसके जस्ट बाद कैसे ये सभ्यता यहाँ के लोग शहरों में रहने लगे, शहर का मतलब समझते हैं, शहरों जैसा बिल्डिंग था और शहरों जैसे जैसे नालियां शहरों में होती है, नालियां अच्छे सड़क अच्छे घर और नालियों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, समझ लीजिए ऐसे अच्छे अच्छे काम कैसे होने लगे। आखिर क्या ऐसा बात था उस समय की, इंजीनियर कैसे थे, इंजीनियर मत समझिए किसी समय थे, इंजीनियर उस समय भी थे क्योंकि इतने अच्छे घर और नालियां बनाना, अच्छे इंजीनियर होंगे तब ना, इंजीनियर का मतलब क्या होता है कि घर जो अच्छे डिजाइन करते हैं अच्छे बनाते हैं वही इंजीनियर होते, तो उस समय भी क्या थे, इंजीनियर थे। तो उनके बारे में पूरा विस्तार से अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग तो समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तब कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया होगा।